भाई साहब एक बात तो माननी पड़ेगी कि दार्जिलिंग के लोगों का ना ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से वेल ड्रेस हैं यहाँ के लोग यार, फैशन सेंस बहुत अच्छी है यहाँ के लोगों की। आपने देखा भी होगा मेरी वीडियो में, अगर आपको आगे आजू बाजू को दिखा होगा भाई साहब, जैसा मैं सोच रहा था ना कि ना ऊपर बैठ के ना डर सा लगेगा, लेकिन डर बिल्कुल नहीं लग रहा है, बहुत एक्साइटमेंट था क्योंकि ना यहाँ पे आके ऊपर से ट्रैवल करने का। तो नीचे देखो कैसा, बिल्कुल फॉग फॉग। तो आज तो हमारे साथ वो वाला सीन हो चुका है कि यार आज मैं हूँ बादलों की ऊंचाइयों में। यहाँ देखिए मैडम, वहाँ का बिल्कुल बादलों की ऊंचाइयों में, सब बादल हमारे नीचे, हम ऊपर, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, ऐसा वाला फील आ रहा है यार। भैया मैं एक बात बताइए, ये दार्जिलिंग के लोग इतने खूबसूरत कैसे हैं, कौन सी क्रीम लगाते हैं? खूबसूरत लोगों के गाल ना बिल्कुल लाल लाल, सेब जैसे नहीं, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की एक और खूबसूरत सुबह में आपका स्वागत है। लास्ट दो दिन से हम दार्जिलिंग में थे और दार्जिलिंग एक्सप्लोर कर रहे थे। वैसे कुछ खास हमने दार्जिलिंग घूमा तो नहीं है, क्योंकि हमारा वैसे प्लान था सिक्किम का, तो दार्जिलिंग का कुछ मैंने ऐसे प्लान किया नहीं था, वो तो बीच में दार्जिलिंग पड़ा और हमको सिक्किम जाना था, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। और अभी हम लोग यहाँ पे एक रोपवे करके एक जगह है, मतलब वो उससे सिटी का पूरा टूर मिलता है, ऊपर से लेकर नीचे तक रोपवे में जाते हैं, तो वहाँ भी हम जा रहे हैं और रोपवे आज ट्राई करेंगे। उसका जो चार्ज है वो 200 रुपीज़ है पर पर्सन के हिसाब से, और यहाँ पे एक टॉय ट्रेन होती है, वहाँ पे हम वापसी जब करेंगे ना सिक्किम की तरफ से तब वहाँ जाएंगे। और अभी यहाँ पे वेदर देखो यार, अप्रैल का टाइम है, 6 या 7 तारीख है शायद अप्रैल मंथ की, जिस टाइम पे दिल्ली एनसीआर में सड़ी हुई गर्मी पड़ रही है, उस टाइम यहाँ पे बारिश हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बारिश हुई थी, और यहाँ पे आपको दिखेगा ना हर दूसरा तीसरा बंदा आपको ऐसे जैकेट वगैरह में दिखेगा। हम ही जो लोग हैं जो ऐसे टी शर्ट्स में घूम रहे हैं, बाकी सारे लोग मोस्टली ना लोग टी शर्ट्स में और स्वेट शर्ट्स में जैकेट्स में घूम रहे हैं यहाँ पे। ये जो आप होटल देख रहे हैं ना, द मैपल करके लिखा है रामडा करके, ये दार्जिलिंग का ना इस एरिया का सबसे महंगे होटलों में से एक है। इस होटल में, इस होटल का एक दिन का आपको 18,000 रुपये पे करना पड़ता है पर नाइट का। इससे हम अभी लादेन ला रोड पे हैं, और ये रोड ना नीचे की तरफ जा रहा है, बस स्टैंड की तरफ जा में जाना है ना, इसी रास्ते से परसों ऊपर आए थे। लास्ट दो दिन से हम यहाँ पे दार्जिलिंग में रुके हुए थे और फाइनली आज निकल रहे हैं सिक्किम की तरफ, क्योंकि हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो सिक्किम ही है। हमें सिक्किम ही एक्सप्लोर करने के निकले थे, वो तो दार्जिलिंग बीच में पड़ा, हमें लगा कि अच्छी जगह है तो रुक के जाते हैं। हमारा एक दिन का प्लान था, जगह अच्छी लगी तो हम दो दिन रुक गए यहाँ पे, और अभी निकल रहे हैं नीचे की तरफ। अगर अच्छे से मेंटेन करके रखिए तो कुछ मतलब एक बढ़िया ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन हो सकता है, लेकिन ये म्यूनसिपल ऑफिस है जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि नीचे गाड़ियों की, कचरों की गाड़ियां रखी हुई थी, तो समझ में आ रहा था कि म्यूनसिपल ऑफिस होगा। और ऐसी कुछ बिल्डिंग है, ये पहले ये सिनेमा घर हुआ करता था यहाँ का, और क्लॉक टावर भी ऊपर लगा हुआ था, तो मुझे लगा कि पहले क्लॉक टावर हुआ करता होगा, लेकिन ये सिनेमा घर था पहले। यार कसम से ना मेरे को दार्जिलिंग के मौसम से प्यार हो गया यार, ऐसा मौसम है मैंने किसी हिल स्टेशन में देखा जैसे यहाँ का मौसम है। या तो हम बहुत अच्छे टाइम पे आए हैं कि हमें ऐसा वेदर देखने को मिल रहा है, या तो वाकई में यहाँ का मौसम ऐसे ही होता है अप्रैल के मंथ में ऐसा मौसम। तो काफ़ी सारी ना ऐसे मोनेस्ट्री आपको रोड पर देखने को मिल जाएंगे, एक्चुअली मोनेस्ट्री तो नहीं है, ऐसा लग रहा था दूर से ही मोनेस्ट्री है, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, कितने अच्छे तरीके से रेस्टोरेंट बना रखा है। और यहाँ के जो स्ट्रक्चर्स है ना, जो यहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, काफ़ी अलग और यूनिक टाइप की बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं सारी यहाँ पे। ऐसा कुछ दार्जिलिंग अभी दिख रहा है इस टाइम पे, सुबह के नहीं एक्चुअली 12 बज चुके हैं, और ऐसा आपको कहीं से कहीं तक लगेगा कि 12 बज रहे होंगे, ऐसा लग रहा है कि सुबह के 7 या 8 बज रहे होंगे, इसी हिसाब का मौसम रहता है यहाँ पे। दो दिन से हम यहाँ पे हैं तो हम ऐसा ही मौसम देख रहे हैं दार्जिलिंग का, मतलब आपको लगेगा नहीं कि दोपहर हो रही है या दिन हो रहा है या रात, रात का पता लग जाएगा लेकिन दोपहर का आपको पता नहीं लगेगा यहाँ पे, दोपहर ऐसी लगती है जैसे सुबह होगी। और हमारा होटल ना काफ़ी ऊपर था, अभी हम अपने होटल से ही आ रहे हैं, हमारा होटल लगभग यहाँ से मेन मार्केट से 3 किलोमीटर ऊपर था, अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं बस स्टॉप की तरफ, तो 3-4 किलोमीटर नीचे आना पड़ता है, और वहाँ से ही हमें रोपवे के लिए भी गाड़ी मिलेगी, वहीं से हमें सिक्किम के लिए भी गाड़ी मिलेगी। तो पहले रोपवे जाएंगे फिर उसके बाद सिक्किम के लिए निकल जाएंगे। सिक्किम यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर है, पहुँचते हुए हमें 5 से 6 घंटे लगेंगे। तो ऐसी कुछ मार्केट यहाँ पर लगी हुई है, सब्जी की मार्केट, और देखो कितना पुराना सा स्ट्रक्चर है, डोनो वन पार्क, ये पार्क है कहीं से कहीं तक, पार्क लग तो नहीं रहा है ये। भाई साहब बिल्डिंग्स देखो यहाँ पे, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं पहाड़ों में, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, क्या बात है। और काफ़ी पुरानी है यार ये दार्जिलिंग साहब, मतलब काफ़ी पुराना बसा हुआ लग रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है कुछ गाड़ियाँ वाड़ियाँ, हमें पता कर लेते हैं अगर यहाँ से गाड़ी जाती हो तो।
भैया जी, रोप वे के लिए कहाँ से मिलेगी गाड़ी? आगे आगे कौन सी जगह से? आगे जाइए सिंहमढ़ी का वो मारुति वाला छोटा वाला वैन है। मारुति वाला वैन सिंहमढ़ी? हाँ सिंह। कहाँ से रास्ता है? सीधा ऐसे सीधा दर से अचानक है? सीधा। ठीक है, धन्यवाद सर। ये मार्केट कौन सी है? चौक बाजार है भैया। चौक बाजार? तो भैया काफ़ी इंटरेस्टिंग सी मार्केट लग रही है। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं तो आपको अंदर जाके मार्केट दिखाते। तो निकलते हैं यहाँ से। और सामने देखो इतनी ये ब्यूटीफुल सी पेंटिंग बनी है, हमारो प्यारो दार्जिलिंग। हमरो प्यारो दार्जिलिंग। भैया बैंड मिलेगा सर पे बांधने वाले कपड़े का? इधर कहीं मिलेगा? आगे मिल जाएगा भाई। मुझे लग रहा गलत दुकान में घुस गया था मैं, गलत दुकान में घुस गया था शायद मैं। तो भाई बोल रहा आगे मिल जाएगा, तो आगे देखते हैं। बाकी इस बाजार को देख के तो लग रहा है यहाँ पे कुछ भी मिल जाएगा यार, जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। भैया सर पे बांधने के लिए बैंड मिल जाएगा क्या कपड़े का, जो स्ट्रेचेबल होता है? तो यार मिल तो गया कुछ ऐसा है, ये थोड़ा बड़ा मेरे को लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कुछ छोटा मिल जाए ना थोड़ा इससे, तो वो चल जाएगा। तो भैया के पास डिज़ाइन तो काफ़ी सारे थे लेकिन मुझे कोई पसंद आया नहीं। तो अगर मुझे मार्केट में कुछ और मिलता है तो मैं ले जाऊँगा, नहीं तो इन्हीं से वापस आना पड़ेगा इन्हीं से लेने के लिए। ऐसा लग रहा कहीं से खुदाई में निकली होगी। ये टो करने वाली गाड़ी है शायद, जो गाड़ी टो करके ले जाते हैं ना, ये वो वाली गाड़ी है। भाई साहब एक बात तो माननी पड़ेगी कि दार्जिलिंग के लोगों का ना ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से वेल ड्रेस हैं यहाँ के लोग यार। फैशन सेंस बहुत अच्छी है यहाँ के लोगों की। आपने देखा भी होगा मेरी वीडियो में, अगर आपको आगे आजू बाजू को दिखा होगा। भैया जी दे दीजिए यार, वो 50 रुपये का मिला है तो हमने ले लिया, ये वाला लिया है। ठीक है, आपको अभी वीडियो में थोड़ी देर में दिख जाएगा मेरे कि कैसा लगता है, बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में। लगभग सारी ज़रूरत का सामान आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और जैसा कि आपको बता रहा था मैं कि यार दार्जिलिंग के लोगों का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छी सेंस है लोगों ड्रेसिंग की। और यहाँ के एक तो लोग भी काफ़ी सुंदर हैं, तो कैसा भी पहन लो पे अच्छा ही लगता है। तो यार मैं तो वो बैंड लेने के लिए रुक गया था, तो रोहित और प्रमोद आगे निकल गए थे। अब उनको ढूंढता हूँ कि वो लोग कहाँ पे हैं, यहीं कहीं होने चाहिए क्योंकि सारा टैक्सी यहीं पे लगा हुआ है। तो भैया ये लोग यहाँ पे खड़े हैं, मेरा वेट कर रहे थे, गाड़ी इनको काफ़ी पहले मिल गई थी। 15-15 यहाँ से किराया लगता है। भैया मैं किधर बैठूं यार? आगे भैया सिंहमाड़ी आओ, किधर बैठना है यार? आगे आगे इसको लगा दो, लेकिन भाई कोई मैं गिर जाऊंगा नीचे अंदर, थोड़ा क्रिस क्रॉस होके बैठोगे तो आ जाओगे सारे। उठा एक तरफ से उठा, ये आपकी दिक्कत होगी। अरे यार तू उस तरफ आ जाओ, आराम से आराम से आराम से। हाँ हाँ इधर करना पड़ेगा भैया। गाड़ी मैंने कुछ इस तरीके से बैठे हुई खचखच, तो भैया जी कह रहे हैं पहाड़ की गाड़ी का एक्सपीरियंस करूं, और भैया जी ने मेरी शक्ल लगता देख ही नहीं है, मैं भी पहाड़ी हूँ भैया। अच्छा सर, हम तगड़े वाली पहाड़ी है, नेपाली पहाड़ी है। कहाँ से हैं आप? मैं उत्तराखंड गढ़वाल। उत्तराखंड? आप यहीं से होंगे दार्जिलिंग कहीं? हाँ। आपका नाम भैया जी? मेरा दिनेश। दिनेश क्या? दिनेश गुरुंग। गुरुंग? हाँ। अरे भाई साहब भैया जी हमें एक बात बताइए, ये दार्जिलिंग के लोग इतने खूबसूरत कैसे हैं, कौन सी क्रीम लगाते हैं? खूबसूरत जैसे ही नेचुरल। नेचुरल? अब वेदर अच्छा है तो मैं रहूंगा यहाँ पे कुछ दिन, मैं भी हो जाऊंगा ऐसा। अरे क्यों नहीं होगा, दो तीन महीना रहे ना, सब दो तीन महीने में हाँ। फिर वापस जाएंगे, फिर वैसे ही काले पील हो जाएंगे। अरे उत्तराखंड में क्या काले पील होगा? मैं वैसे दिल्ली रहता हूँ ना, दिल्ली उत्तराखंड से हम हैं, जैसे आप यहाँ से ना दार्जिलिंग से आप दिल्ली साइड चले जाओगे तो बहुत प्यारी जगह है दार्जिलिंग का, इतना अच्छा मौसम है यार। वही तो मौसम से ही तो यहाँ हरा पीला होता है लोगों के गाल ना, बिल्कुल लाल लाल सेब जैसे। नहीं तो भाई साहब मैं ना वैसे कुछ ज्यादा नहीं यहाँ पे रहना चाहता हूँ, लेकिन रह नहीं सकता, मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी? मेरी ये मजबूरी है कि मैं यहाँ रहूंगा तो मुझे कुछ हो जाएगा, मैं यहाँ रहूंगा तो मुझे कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा पता नहीं, कुछ तो हो ही जाएगा यार। नेचर से प्यार हो जाएगा यहाँ पे एकदम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप दिल खुश के बैठोगे तो
एकदम खुशी मिलेगी ना। मुझे भी ब्लॉगर बना दे। हंसी बड़ा फनी है यार, बहुत फनी लगते हो आप। बाकी ले जाओ। टैक्सी ने हमें यहाँ पे उतार दिया, यहाँ पर टैक्सी स्टैंड था। मुश्किल से मुश्किल हमें 10 मिनट लगे यहाँ पहुँचने के लिए। और ऐसा कुछ ये मार्केट है यहाँ का। तो यार रोपवे जाने का ना दो रास्ते हैं, एक तो ये जो आपके स्टेयर्स दिख रही है ना यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, और ये दूसरा एक ये वाला रास्ता है, यहाँ से भी हम लग जा सकते हैं। और बाकी देखो यहाँ पे वेदर बिल्कुल फॉग यहाँ पे आ गया है, पीछे से तो कहीं फॉग नहीं था। यहाँ से चलें? चलो। तो यहाँ से चल रहे हैं, तो यही रास्ता है, यहाँ से हमें सीधे सीधे ऊपर को जाना है। तो ये रास्ता थोड़ा लंबा होगा लेकिन प्रमोद को थोड़ा ईजी हो जाएगा चलने में। बाकी स्टेयर्स थी, काफ़ी पुराने पुराने घर हैं यहाँ पे भी। रोपवे जाने के लिए ये रास्ता है। तो भाई वो सामने आ गया है रोपवे, वो वहाँ से लगा हुआ है दिख रहा है मेरे को। पहुँचेंगे, ज़्यादा रास्ता नहीं था जहाँ पे गाड़ी ने छोड़ा, वहाँ से 2 मिनट का रास्ता था, 100-200 भी नहीं था, पैदल पैदल का रास्ता 100-200 मीटर था। दार्जिलिंग रंगीत वैली रोपवे। और आपको आज दिखाएंगे दार्जिलिंग रोपवे से, पहाड़ों की ऊँचाइयों से, बादलों के बीचों में से आज आपको हम दार्जिलिंग दिखाने वाले हैं। भैया क्या बोलते हैं इसको? चना जोर गरम। अरे भाई साहब, चना जोर गरम हमने गाना सुना था लेकिन पहली बार देख रहा हूँ चना जोर गरम कि ऐसा होता है। भैया किस चीज़ का बना होता है? चने के साथ में इसमें क्या होता है? चना बॉईल करके पीट के फ्राई करना पड़ता है। तो आप क्या ठिया बदलते रहते हो क्या? हमारा ठिया एक यहाँ ठिया नहीं, ये ठिया नहीं है, कोटा है। कोटा, कोटा बोले तो कोटा यहाँ पे है। कोटा किस कोटा, इसको रेडी को बोलते हैं? अच्छा, मेरा स्थान है, स्थान ये मेरा अपना स्थान है, एक मेरा स्थान उधर में है। तो भाई साहब का ये स्थान है, यहाँ पे ये विराजमान होते हैं। और एक और स्थान इनका है, एकदम भेलपुरी बनाते हैं, टका टक। तो भैया टिकट है यहाँ पे अडल्ट का 260 रुपये, चाइल्ड के 130 रुपये, और टाइमिंग 40 मिनट का टाइम लगेगा अप एंड डाउन में। टोटल डिस्टेंस 5 किलोमीटर, तो 40 मिनट टोटल हम इंजॉय करने वाले हैं बादलों के बीच में। तो टिकट लेते हैं। तो भैया हम आपका रोपवे के गेट है ना, आप दोगे? भाई साहब बाहर खड़े, मैं अंदर देख रहा हूँ, मेरा कोई तो है नहीं यार अंदर। बोले कितना चाहिए? 3 टिकट दे दो। 3? हाँ जी, 780। तो यार टिकट ले लिया, अब अंदर एंट्री कर रहे हैं, ऐसा कुछ लाइन सा जा रहा है। और यहाँ से देखिए नीचे कितना फॉग है यार, मतलब कुछ देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। और ये जो रोप वे है ना, ये इसका 4 किलोमीटर का एरिया ये कवर करता है अप एंड डाउन, और 40 मिनट लगेंगे हमें ऊपर से नीचे जाने में, फिर नीचे से ऊपर आने में। और बीच में ना काफ़ी सारे टी गार्डन पड़ेंगे। तो हमारा प्लान तो था यार टी गार्डन जाने का, तो जा नहीं पाए, तो ऊपर से टी गार्डन देख लेंगे इस बार हम। यार यहाँ पे वेदर देखो यार, मतलब या तो ये तो ना पूरा वैली होगा, खुला वैली होगा, इससे इतना फॉग है यहाँ पे, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं यार कुछ मज़ा आएगा कि नहीं आएगा। तो भाई यहाँ से निकल गई सवारी। अब यार यहाँ से क्या ही दिखेगा यार, नीचे इतना फॉग है ना, तो मतलब आप लोगों को तो पता नहीं कुछ समझ में आएगा नहीं आएगा, लेकिन हमें मज़ा बढ़ाने वाला है। और थोड़ा सा डर सा भी लग रहा है क्योंकि काफ़ी हाइट पे यार। तो भैया उड़न खटोला तैयार है अपनी सवारियों के लेके, और एक बारी में 4 लोग इसमें जाते हैं। अब पता नहीं भाई कैसे ही होगा। फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं, पहले कभी ऐसे उड़न खटोले में या ट्रोली में मैं बैठा नहीं हूँ, तो फर्स्ट टाइम मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहने वाला है। नो मास्क नो राइड, और कुछ ऐसा ही सारा इसका सिस्टम है, ये सारा मैकेनिज्म ये ट्रोली का है, ये ही पूरा ट्रोली को चला रहा है। मतलब ये जैसे पता नहीं किस तरीके से मैकेनिज्म होगा, वो तो जब हम बैठेंगे ना तब मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। तो भैया मैं ना आपको लेके चल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ यहाँ पे से कैसा दिखता है। हेलो भैया कैसे हो? ये वायर चलता रहता है क्या? ट्रोली नहीं चलती, वायर चलता है, ट्रोली फिक्स होती है जी, पता नहीं इसका। अच्छा अच्छा, तो भाई ये जो है ना ट्रोली जो आ रही है, ये ट्रोली एक वायर पे फिक्स होती है, ठीक है? तो ये ना वायर ऐसे चलती रहती है, ऐसे मूव हो रही है, इन व्हील पे लगे हुए हैं इस पर, तो टायर इस पर ये वायर मूव हो रही है, ट्रोली फिक्स है एक जगह पे, ताकि ना स्लिप ना हो, एकदम से स्पीड में ना जाए नीचे, इसलिए फिक्स रहता है। तो एक हमारे भैया यहाँ पे हैं, ये भी यहीं पे काम करते हैं। भैया आपका नाम? जनक। जनक जनक भैया ये हमारे यहाँ पे ही काम करते हैं भैया भी। तो चलो यार। अच्छा ये ट्रोली आ गया है, तो ये भैया ऐसे ट्रोली को रोकते हैं ताकि स्पीड में ना जाए, ऐसा कुछ है। यहाँ पे ट्रोली नीचे से आता है और यहाँ पे आके रोका जाता है ट्रोली को, तो हम लोग भी चलते हैं वापस।
ट्रॉली है, इसी ट्रॉली में बैठने वाले हैं, ये लोग जाने वाले हैं। बाय बाय। तो भैया थोड़ा सा एहसास लिया ट्रॉली में चलने से पहले कि क्या फील आने वाला है। अब भैया बता रहे थे कि आगे सारा ना टी के बगान हमें दिखाई देंगे। और ये देखा आगे जाती हूँ वक्त क्या काफ़ी डर कर लगने का महसूस हो रहा है, मगर लग नहीं रहा है कि जा नहीं बैग। और ये भैया कह रहे थे कि इनको सेफ्टी कंसर्न है, थोड़ा डर लग रहा है। तो भैया ने दो दो चश्मे लगा लिए, कह रहे इनके ऊपर एक लगाऊंगा नीचे को दिखेगा नहीं। और फॉग भी है नीचे, फॉग भी है। तो भैया जो डरे थे, मैंने कहा कि भैया को पैरासूट देंगे आपको ट्रॉली में, अगर डर लगे तो पैरासूट लेके चले जाइए नीचे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे जनक भैया यहाँ पर ये टिकट चेक करते हैं, हम तीन लोग हैं। तो भैया चलते हैं, अपना छोटा वाला बैग लेते हैं, बाकी बैग यहीं पर रख देते हैं। भैया जी बैग यहीं छोड़ना है ना। बैठो बैठो बैठो, जल्दी बैठो जल्दी बैठो। शीशे क्लियर नहीं है भैया, कोड़ो ले लिया इसके, थोड़े शीशे वीशे साफ करवा दिया करो, शीशे बड़े गंदे हो रहे हैं। ये साफ करता है, डेली करता है, मगर गंदा हो जाता है ना हमारा फोटो। नहीं सामने का तो साफ कर दो, अल्ट्रा वाइट कर दो ना भाई। ये दो चश्मा लगाए ना, इसलिए नहीं आएगा चश्मे के ऊपर चश्मा है। क्या बात है, आप कहाँ से भाई साहब? यूपी से। यूपी, क्या बात है, यूपी वाले हैं आप? यूपी वाले हैं। और हमारे योगी जी ठीक है? ठीक है, बढ़िया है। कैसा चल रहा है उनका योगी का? फर्स्ट क्लास। तो भैया ट्रॉली में बैठ चुके हैं और वेट कर रहे हैं निकलने का। अभी ना नीचे से कोई ट्रॉली, नीचे से एक और ट्रॉली आनी है, और ट्रॉली आ जाएगी तो उसके बाद हमारी ट्रॉली को छोड़ेंगे, ताकि ना थोड़ा सेफ रहे। और बाकी चलते हैं। फर्स्ट टाइम मेरा ये है कि मैं किसी ऐसी ट्रॉली में ना उड़न खटोले में सफ़र कर रहा हूँ, और आपको भी जो मैं फील करूँगा वो साथ साथ फील कराता रहूँगा। अगर आप दार्जिलिंग आना चाहते हैं तो आपको कैसा फील आएगा ट्रॉली में बैठ के, वो भी आपको पता लगेगा मेरे इस वीडियो के माध्यम से। तो भैया शुरुआत हो चुकी है हमारे सफ़र की, और ये ना पूरा ऐसा डामल डोल हो रहा है, ऐसे ऐसे हिल रहा है भाई, पूरा ऐसे ऐसे हिल रहा है। तो दार्जिलिंग, तो भैया ये सामने से ना जो आप ऊपर देख रहे हो वहाँ से ये उड़न खटोला स्टार्ट होता है, ये ट्रॉली स्टार्ट होता है और हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और ये नीचे देखिए क्या फॉग लगा हुआ है, यहाँ से 360 डिग्री दार्जिलिंग आपको दिखेगा, सारे घर दिखेंगे, सारे टी के बगान आपको दिखेंगे, और बहुत स्लो हो गया भाई, धीरे धीरे चल रहा है यार ये। तो यार ये ना ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, सारे आपको पेड़ वगैरह नज़ारे वगैरह सारे देखने को मिलेंगे। तो भैया ये नीचे देख रहे हो ना आप, ये टी के बगान है यहाँ के भाई साहब। जैसा मैं सोच रहा था ना कि ना ऊपर बैठ के ना डर सा लगेगा, लेकिन डर बिल्कुल नहीं लग रहा है, बहुत एक्साइटमेंट था क्योंकि ना यहाँ पे आके ऊपर से ट्रैवल करने का। तो नीचे देखो कैसा बिल्कुल फॉग फॉग। तो आज तो हमारे साथ वो वाला सीन हो चुका है कि यार आज मैं हूँ बादलों की ऊंचाइयों में। यहाँ देखिए मैडम वहाँ का, बिल्कुल बादलों की ऊंचाइयों में, हम बादल हमारे नीचे, हम ऊपर, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, ऐसा वाला फील आ रहा है यार। अब बिल्कुल पूरा वाइट वाइट ना, नीचे आप कुछ देख नहीं रहा होगा। तो सामने से देखो ट्रॉली आ रहा है, किलोमीटर का पूरा एरिया रहता है जो आपका 40 मिनट में कवर होता है पूरा का पूरा, इस तरीके से राउंड टू राउंड। रोपवे से जाते वक्त ना तो आपको ऐसे काफ़ी सारे, नीचे देख रहे हो ना आप गांव, ऐसे काफ़ी सारे गांव देखने को मिलेंगे छोटे छोटे, और ये गांव इन्हीं लोगों के हैं जिनके खेत हैं। तो ऐसा नहीं है कि चार ही बंदे बैठेंगे इस वाली ट्रॉली में, देखो छः बंदे बैठे हुए हैं, और हम लोग भी पाँच बंदे बैठे हुए हैं ट्रॉली में। और हम लोग को देखो, हम लोग क्रॉस पे भी जा रहे हैं, क्या मज़ा आ रहा है यहाँ पे। आपको कैसा लग रहा है? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। भैया जी यार बहुत बहुत बढ़िया, हस्बैंड वाइफ, बहुत बढ़िया भाई, बहुत हौसला देने अपनी वाइफ को, पकड़ के रखा हुआ है, मेरे तो कुछ नहीं होगा तुम्हें, बहुत बढ़िया। पहले तो मैं ही डर रहा था, और सबसे सपोर्टिंग नेचर ये था कि इन्होंने अपना फेस बना के बताया, मगर यही हमको हौसला दिया कि कोई अगर डर की बात हो तो मैं हूँ। टिकट वापस करके, अच्छा 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 अच्छा, यात्रा खत्म हो गई है यहाँ पे। तो लगभग 15 से हमें 20 मिनट लगे होंगे लगभग नीचे आने, 15 से 20 मिनट लगे नीचे आने में, और इतने टाइम लगेगा हमें ऊपर जाने में। तो यार नीचे हम पहुँच चुके हैं, और नीचे ना कुछ ऐसा सा स्टेशन है जैसे ऊपर मशीन लगी हुई थी ना, वैसी सी मशीन ये नीचे है। 15 मिनट में हमको बोला कि 15 मिनट आप घूम फिर के आ जाओ, और उसके बाद फिर वापस चलेंगे। ऐसे ही जैसे यहाँ से आता है ना, और यहाँ से ऐसी रिटर्न हो लेता है, ऐसी घूम के ऐसे ट्रॉली फिर वापस रिटर्न यहाँ पर हो लेती है। अभी लोग जा रहे हैं, ये लोग ऊपर से आए होंगे, अब लोग इनका टाइम आ गया तो वापस जा रहे हैं। तो यहाँ पर टी का बगान भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, उससे पहले नीचे चल रहे हैं, कुछ चाय पी के आते हैं, कुछ खाना पीना खा के आते हैं, क्योंकि ना भूख लग रही है बहुत तेज मेरे को। और ऐसा यहाँ से ऑल पैसेंजर आर रिक्वायर्ड कंपल्सरी गेट डाउन द कैबिन डाउन स्टेयर। आपको कुछ रेस्टोरेंट वगैरह भी मिल जाएंगे, देखिए एक ये रेस्टोरेंट है, एक वो वहाँ पे ऊपर रेस्टोरेंट है, और एक यहाँ पे रेस्टोरेंट है, कुछ खाना पीना है आपको तो यहाँ पे मिल जाएगा।
खा पी के आप निकल सकते हो। अभी तो हम ना कुछ खाना पीना तो अभी है नहीं, लेकिन मेरे को ना टी गार्डन देखना था, तो टी गार्डन देख के आते हैं। वहाँ पे कुछ लोग मिलेंगे तो उनसे बातें करेंगे। बाकी यहाँ पे टी का फैक्ट्री भी है, अगर खुला होगा, ओपन होगा हमारे लिए, टूरिस्ट के लिए, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो यार यहाँ पे ना जैसे उड़न खटोल वाले ट्रॉली इनको बोलते हैं, तो ये जो ख़राब हो जाते हैं उनको ऐसा रखा हुआ है, कुछ ऐसी ये दिखती हैं। बाकी देखो पूरा स्टील लोहे की हैं, लोहे और फाइबर की ये बनी होती हैं, और इनमें पेड़ उग गए हैं, ट्रॉली में पेड़ उग गए हैं। 15-20 मिनट हमने यहाँ पे वेट किया और वापस जा रहे हैं, अपना ट्रॉली का टाइम हो गया है। उन्होंने हमको बोला था 20 मिनट का टाइम है आपके पास, उसके बाद आप वापस आना और ये ट्रॉली में बैठ के जाएंगे वापस। और इस 20 मिनट में हमने क्या किया वो व्लॉग आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि हम कैसे, हमने यहाँ पे जो चाय के बगान है हम वहाँ पे गए थे और वहाँ पे लोग काम कर रहे थे खेतों में, हमने आपको वो दिखाया, उनसे बातें करी और काफ़ी बड़ा मज़ा आया यार। वो दोनों जितने भी दोनों लोग थे ना, दोनों आंटियाँ थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी यार, काफ़ी फनी थी और काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे और काफ़ी उन्होंने हमें हेल्प भी करी हमारा कॉन्टेंट बनाने में। तो यार अगर आपको वो ब्लॉग देखने हैं ना कि यहाँ के टी गार्डन कैसे होते हैं, वहाँ पे लोग कैसी फार्मिंग करते हैं, तो आपको हमारा नेक्स्ट ब्लॉग देखना पड़ेगा, इस ब्लॉग के जस्ट बाद वो ब्लॉग आएगा। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, सामने से हमें ट्रॉली मिलेगा तो हमारा ट्रॉली आने ही वाला है। तो अभी तो ये फुल करा हुआ है, इसमें 4 या 5 लोग आते हैं या 6 लोग जाते हैं, तो जैसे जैसे लोग आते रहेंगे वैसे बैठा के निकालते रहेंगे। और यहाँ पे कुछ भैया लोग बैठे हुए हैं, इनसे थोड़ी बातें करते हैं। आप सब यहीं के हैं? यहीं ऑफिशियल हैं, यहाँ की स्टाफ है जी। तो कुछ आप बताना चाहेंगे जगह के बारे में? ये हाँ, ये तो टी गार्डन एरिया है, जैसे कि ऊपर सिंगमढ़ी से आता है टॉकपर रोड पे। कौन सी जगह थी ऊपर? सिंगमढ़ी नॉर्थ पॉइंट। सिंगमढ़ी नॉर्थ पॉइंट, और ये कौन सा पॉइंट है? ये टॉकपर टी स्टेट। ये टॉकपर टी गार्डन एरिया। टी गार्डन एरिया जी, ठीक है। तो भाई ये काफी ना मेरे को यूनिक सी और इंटरेस्टिंग सी चीज लगी, और मेरे को पहली बार ये चीज पता लगी कि दार्जिलिंग इतना बड़ा है, ठीक है, और दार्जिलिंग में लोगों के अपने ही खेत नहीं है। तो आपको अजीब नहीं लगता है कि हम लोग दार्जिलिंग के लोकल है और हमारे खेत नहीं है? मतलब है ना, हम लोगों को नहीं पता, नहीं, पहले से ऐसा है ना, पहले से कंपनी चला रहा है। अच्छा, गवर्नमेंट का है, लेकिन एक्चुअली कंपनी लिस्ट में लेके चला रहा है। अच्छा, तो ये ना गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो मतलब ईस्ट इंडिया के टाइम से, ईस्ट इंडिया ने ये सिक्किम से लिया था ये एरिया, और उस टाइम से ये जगह मतलब गवर्नमेंट रन कर रही है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज को लीज पे देती है ये जगह, ताकि वो लोग यहाँ पे खेती करें। और यहाँ पे पहले गांव वगैरह नहीं हुआ करते होंगे ना? पहले दार्जिलिंग पूरा एक टी गार्डन था बहुत बड़ा, और जहाँ पे मतलब बस टी की खेती होती थी, लेकिन अब लोग यहाँ पे रहते भी हैं, यहाँ पे गांव भी बन चुके हैं। पहले गांव नहीं हुआ करते थे? पहले नहीं होते थे। तो पहले क्या हुआ था ना, जब ये नया जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिक्किम से लिया था दार्जिलिंग को, तो उस टाइम इन्होंने यहाँ पे लोग नहीं थे खेती करने के लिए, काम करने के लिए, तो नेपाल से लोग आए थे ना यहाँ पे काम करने के लिए उस टाइम पे। नहीं, मैंने ऐसा पढ़ा है। जुड़ा और यहाँ पे बाहर से मतलब नेपाल से लोग आए थे यहाँ पे खेती करने, क्योंकि यहाँ पे लोग नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे, है ना। तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को अपने टाइम दिया। तो मेरे ट्रॉली आ गया, तो ये भैया जैसे ट्रॉली नीचे आती है ना, उसके बाद ये थोड़ा धक्का मार के ना इसका ट्रैक चेंज करते हैं, तो ताकि ये ऐसे घूम के ना उस तरफ से ऐसा आ जाए। तो ये इसका ट्रैक चेंज कर रहे हैं, तो इसी ट्रॉली में हम लोग वापस जाएंगे। ओके भैया जी, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय। तो लो भैया हम वापस आ चुके हैं, और पीछे लगभग मतलब 15 मिनट लगे हमें वापस ऊपर आने में, 15 मिनट नीचे आने में लगे थे, और 20-25 मिनट हम थोड़ा घूमे फिरे, लगभग 50-60 मिनट मतलब 1.5 घंटा हमने यहाँ पे लगाया रोपवे में, और काफी अच्छे से हमने घूमा। और नीचे देखो, नीचे आपको दिख ही नहीं रहा होगा, इस तरफ भी देखो कुछ नहीं दिख रहा, सारा फॉग ही फॉग है, जिसमें आपको बताया था ना कि ऊपर जाने के बाद तो सारा फॉग फॉग दिखाई देगा आपको ऊपर, देखो। और इस तरीके से सारे होटल वगैरह हैं यहाँ पर। चलो यार फाइनली हम पहुंच गए और बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच कैमरा पर्सन के लिए। तो चलो यार इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, वीडियो काफी लंबा हो गया, आई होप कि आपको वीडियो देख के मज़ा आया होगा जितना हमने इंजॉय किया ना इसको फील करके, उतना आपको उतना तो नहीं, लेकिन कुछ तो मज़ा आया होगा यार आप देख के। अगर आपका भी मन करा होगा कि यार हम भी कभी आएंगे और दार्जिलिंग के रोपे में बैठेंगे। बाकी यार इस व्लॉग को यहीं क्लोज करते हैं, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमें कमेंट करके बताना कि आपको व्लॉग कैसा लगा। तो चलते हैं, मिलेंगे किसी और दिन किसी और जगह में किसी और अच्छी सी लोकेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए घुमक्कड़ इंडियंस।